सीज़न की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है इस वक्त। तो नाज़रीन, आज यहाँ पहाड़ों में धूप निकली हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त -4 से -5 के दरमियान है, तो काफ़ी ठंडा मौसम है आज भी। तो पहाड़ों में सर्दियां शुरू होते ही लकड़ियां काट कर कुछ इस तरीके से रखा जाता है ताकि धूप पड़ने से ये जल्दी सूख जाए और सर्दियों में ये जलाने में आसानी रहे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ियां काट के रखे गए हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक इनको सुखाया जाएगा, फिर इसको बर्फबारी से बचाने के लिए नीचे कमरे में स्टोर करके रखेंगे।
तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ कोल का पानी जमना शुरू हो चुका है। तो अभी कुछ दिनों बाद ये कोल का पानी भी बंद हो जाएगा, वरना ये बर्फ जमने की वजह से ये सारा एरिया बिल्कुल बंद होने का ख़तरा है। ये देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पहाड़ों में सर्दियों में ख़ास तौर पर एक चीज़ हर घर में लगाई जाती है, वो है बुखारी यानी अंगीठी जिसे कहते हैं। ये लगाते हैं ताकि सर्दियों में ये जो कमरे हैं वो गर्म रहें और खाना वगैरह यहाँ पे पकाया जा सके। तो ये हर घर की ज़रूरत रहती है सर्दियों में, ताकि लोग आसानी से घर में रह सकें। और गर्मियों में तमाम लोगों ने यहाँ पे लकड़ियों का इंतज़ाम किए होते हैं, तो वो इसी अंगीठी के ज़रिए से यहाँ पे जलाते हैं और कमरे यहाँ पे गर्म रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बच्चे आपका? मुक्कू है। क्या है? मुक्कू है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ, इधर देखो, इधर देखो। आपकी उम्र कितनी है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है बच्ची? ये देखिए माशाल्लाह से ये बच्चे आप देख सकते हैं, इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। इसको पढ़ने का कितना शौक़ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इधर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बना रही हैं आप? चुन्नी है। अच्छा, ये देखिए इसको उर्दू भी नहीं आती है, अभी से सही से बोलना भी नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ उर्दू में बोलने की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन ऐसे होते हैं नाज़रीन, यहाँ पे बर्तन कुछ इस तरीके से रखे गए हैं ताकि ये आसानी से हर चीज़ तक रसाई हासिल हो। ये देखें, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा पीने वाला ये चाय, जिसे नमकीन चाय कहा जाता है, मकामी ज़बान में इसे कहते हैं पयू चाय।
तो यहाँ पहाड़ों में हमें हमारे यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो दुकान है ये 24 घंटा खुले नहीं रहते। जब लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो दुकानदार को बुला के लाते हैं, फिर लोग यहाँ से अपना सामान वगैरह लेते हैं। ये देखें, तो जो ही सामान दिया, पैसे लिए, फिर से दुकान बंद किया, अपने काम पे चला। फिर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दुकानदार को बुला के लाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। या ये ठीक है था। तो यहाँ पहाड़ों में इंसान तो इंसान, लेकिन जानवरों को भी सर्दी की वजह से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ना दूध नहीं देते जानवर, ना बहुत कम दूध देते हैं वो, इसलिए क्योंकि सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि ये जानवर जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए दूध भी सही से नहीं दे पाती। जी।